रासायनिक हथियार को लेकर अमेरिका का सख्त रुख सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा तो नेटो इसका जवाब देगा। बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में कहा कि हमले के ऊपर जवाबी कार्रवाई निर्भर करेगी। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो रूस को G20 से बाहर करना चाहते हैं। तो रासायनिक हथियार पर सख्त है यूएस। जो बाइडेन ने कहा कि हथियार के इस्तेमाल पर नेटो भी जवाब देगा अगर रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है, और बदले की कार्रवाई निर्भर करेगी कि किन चीजों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। सर, अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें यह बात तक कही गई कि पुतिन की सेना इसका अभ्यास भी कर चुकी है। रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, इसके पीछे की दलील को भी रखा गया। वजह यह बताई गई कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध एक महीना खिंचने से हताश हो चुकी है। आशंका है कि इसी बौखलाहट में रूस ये खतरनाक कदम उठा सकता है। यही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, उल्टा नेटो को ही चेतावनी दे दी। यही नहीं, दो दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। इफ इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर आवर कंट्री, देन इट कैन बी यूज्ड। यानी लगातार दो दिनों में दो बड़ी परमाणु धमकियां आई, वो भी रूस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, जिसकी वजह से अब दुनिया की नजर रूस के छोटे परमाणु हथियारों पर टिक गई। और माना जाता है कि रूस के पास करीब 2000 छोटे परमाणु बम हैं, जो कि 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के हैं। ये छोटे बम और मिसाइलें एक सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर अमेरिका से, जहां बाइडेन की टाइगर टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। ये टीम व्हाइट हाउस में बैठ रही है, जो खासतौर पर परमाणु हमले से निपटने की तैयारी में जुटी है। अब तक ये टीम छिपकर काम करती रही, लेकिन अब इसके बारे में अमेरिकी मीडिया ने दुनिया के सामने बात जाहिर की। इसने रूस पर अपनी अगली रणनीति भी तैयार कर ली है। रूस की यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी की वजह से इस टाइगर टीम के मायने काफी अहम है। वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की टाइगर टीम की नजर है, वो भी तब जब रूस की तरफ से दोबारा यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दी गई। और इसी धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस टीम ने यह प्लान तैयार कर लिया कि अगर पुतिन अपनी धमकी को सही साबित करते हैं तो अमेरिका को कैसे परमाणु हमले का जवाब देना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नेटो से फिर रूस के खिलाफ और सैन्य सहायता की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। नेटो शिखर सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि नेटो खुद को साबित करे कि वो लोगों की रक्षा के लिए तैयार है और वो दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा संगठन है। हालांकि दो दिन पहले जेलेंस्की नेटो देशों से नाराजगी जता चुके थे और साफ कहा कि नेटो देश रूस से डरते हैं। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми та
таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. उधर यूक्रेन में जंग पर एक और बहुत बड़ी खबर। बेल्जियम में हुई नेटो देशों की बैठक में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए ऐसे हथियार देने का फैसला किया गया जो केमिकल और परमाणु हमला होने पर उसकी सुरक्षा करे। ये जानकारी नेटो के महासचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि यूरोप के देश रूस के हमलों से लड़ने के लिए यूक्रेन को ये हथियार देंगे क्योंकि रूस की धमकियों से लग रहा है कि वो यूक्रेन में जीत के लिए केमिकल, जैविक और परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन में एंटी शिप मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में इसलिए सोचा जा रहा है कि क्योंकि रूस ने कीव के पास ब्लैक सी पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का मन बना रहा है। वैसे अमेरिका पहले ही यूक्रेन को 8000 करोड़ का पैकेज देने की बात कह चुका है जिसमें आर्थिक मदद के अलावा हथियार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की अमेरिका के हथियार बड़ी मदद कर रहे हैं और उनकी वजह यह है कि वो अब तक युद्ध में टिके हुए हैं। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. यूक्रेन में जंग के बीच बेल्जियम में नेटो देशों की बैठक हुई जिसमें रूस के खिलाफ रणनीति तो बनी लेकिन नेटो ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक में एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो जंग की शुरुआत के बाद बाइडेन ने कही थी। इस इमरजेंसी बैठक में जब बाइडेन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन की मदद पर तो हामी भरी लेकिन जब बात यूक्रेन की सेना के संग कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने की आई तो सबने किनारा कर लिया। एक ट्वीट में नेटो महासचिव ने साफ कर दिया कि नेटो देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब है रूस से सीधा दुश्मनी जो नेटो देश नहीं लेना चाहते। To impose a no fly zone means that we need to massively attack Russian air defense systems. The risk for a full-fledged war between NATO and Russia will be very high. कहा जा रहा है कि नेटो देश दूर से तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं, नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। लेकिन नेटो के इस रवैये ने जेलेंस्की के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि इस बैठक में वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर बरस पड़े और डंके की चोट पर बोले कि आगे से नेटो देश कभी ये न कहें कि यूक्रेन उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरता क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि वो कितना काबिल है।